हिंदी ग्रामर में आगे हमने लिंग परिवर्तन देखा था। आज हम शब्दकोश क्रम देखेंगे। किसी भी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा के शब्दकोश का उपयोग करना पड़ता है। शब्दकोश के जरिए हम शब्द का सही अर्थ जान सकते हैं और हमारी शब्द समृद्धि भी बढ़ती है। शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला क्रम और शब्दकोश क्रम की जानकारी होना आवश्यक है। हिंदी वर्णमाला का क्रम इस प्रकार होता है। हिंदी शब्दकोश का क्रम अनुस्वार, प्रत्येक प्रकरण में शब्द की शुरुआत अनुस्वार से होती है, जैसे कि अम अ, पहले अनुस्वार के साथ, फिर अनुस्वार के बिना वाले शब्द लेने के हैं। इसी प्रकार से इसका शब्दकोश का क्रम होगा। वर्णमाला देखते हुए, जैसे पहले क शब्द और फिर उसके बाद हिंदी शब्द के शब्दकोश के अनुसार क्ष वाले शब्द आएंगे, क्योंकि क्ष व क और श का जुड़ाक्षर है, इसलिए क के बाद में क्ष वाले शब्द आएंगे और उसके बाद फिर ख, जो हिंदी शब्दकोश वर्णमाला है उस प्रकार से शब्द आएंगे। आगे ज, जहाँ पे रेखांकित शब्द किए गए हैं कि क्ष, ज्ञ, त्र और स्र, ज के श्रेणी के बाद न वाले शब्द आते हैं। न है वो ज और ग का जुड़ाक्षर है। उसी प्रकार से त्र, तो व, त और र का जुड़ाक्षर है, इसीलिए त्र जो शब्द है व त की श्रेणी में आता है। त के बाद त्र वाले शब्द शब्दकोश के क्रम में आएंगे। और श्र, व, श और र का जुड़ाक्षर है, इसीलिए श का श की श्रेणी में स्र आएगा। श वाले शब्द आए, उसके बाद स्र वाले शब्द आते हैं, बाद में श, षटकोण का श, वह शब्द आएंगे। तो इस प्रकार से हिंदी शब्दकोश के प्रत्येक प्रकरण में शब्द की शुरुआत अनुस्वार से होती है। यदि क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ले तो शब्द इस क्रम में आते हैं। कम अनुस्वार के साथ पहला शब्द आएगा। क की हम श्रेणी देखते हैं, कम कम क काम का, इस प्रकार से क शब्दों की श्रेणी आएगी। शब्द के दूसरे वर्ण के साथ भी यही नियम लागू होता है। सभी शब्दों में वर्णों का क्रम यही रहता है। इसे ध्यान में रखने पर आप शब्दकोश में किसी भी शब्द को आसानी से ढूंढ सकेंगे। शब्द के दूसरे वर्ण के साथ भी यही नियम लागू होता है। जैसे यदि शब्द के दूसरे शब्द में शब्द के रूप में म वर्ण हो तो उसका क्रम इस प्रकार होगा, कमंडल कमल, क्रमांक कमाल आदि। तो इस प्रकार से शब्दकोश का क्रम निश्चित होता है। अब हम शब्दकोश के क्रम अनुसार शब्द कुछ देखेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। शब्द है जैसे उपस्थित, आसन, परमेश्वर, खातिरदारी, कमाई। अब इन शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम के अनुसार, जैसे हमने देखा
के पहले अ आ वाले पहले आएंगे, फिर वर्णमाला वाले शब्द आएंगे। तो पहले शब्द आएगा आसान, फिर उपस्थित, फिर वर्णमाला में पहला शब्द जो है क, तो इसमें से शब्द है क वाला कमाई, फिर खातिरदारी, और फिर बाद में आएगा परमेश्वर। तो इस प्रकार से शब्द कोश का क्रम हमें पूर्ण करना है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, गाय, कंगन, घर, क्षमा, चिड़िया। अब इन शब्दों का शब्द कोश का क्रम इस प्रकार होगा, पहला शब्द आएगा कंगन, फिर हमने जो देखा था कि क के बाद क्ष की श्रेणी आती है, तो शब्द आएगा क्षमा, फिर गाय, घर और चिड़िया। इस प्रकार से शब्दकोश का क्रम लिखना है।